ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रेजी ट्रिक्स विद महेंद्र और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स, क्रेजी ट्रिक्स विद महेंद्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर जो है दो टाइप के हमने क्वेश्चन निकाले हैं, जिसके अंदर आज सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन जो है वो उनको हम सॉल्व करेंगे और बेसिक चीजों को समझेंगे। ब्लड रिलेशन के अंदर होता क्या है, किस तरीके से हमें उसका डायग्राम बना के फास्टली सॉल्व करना है। वैसे सॉल्व हर कोई कर सकता है, बट हमें बहुत ही कम समय में इनको सॉल्व करना है, तो वो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारा वीडियो होगा, उसके अंदर हम कोडेड फॉर्म में जो ब्लड रिलेशन होता है उसको हम देखेंगे, जो कि बैंक के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। बैंक में ज्यादा से ज्यादा कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन को आपको देखने को मिलेगा। एक और होता है फजल फॉर्म, उसके भी क्वेश्चन हम सेकंड वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज जो क्वेश्चन है हमारे वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन पर इनके अंदर जो है पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। जो आगे वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड वाले वीडियो के, वो हमारा लेवल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन इस वाले वीडियो में आपको उसका पूरा सार समझ में आ जाएगा कि क्या हमें करना रहता है ब्लड रिलेशन के अंदर। तो इस वीडियो को जब तक आप नहीं समझेंगे, आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा, तो उससे इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखें और आप इसको अच्छे से समझते हुए चलिए। क्वेश्चन सिंपल मैंने इसमें डाले हुए हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो चीजें दी हुई है वही चीजें हर एग्जाम में आपको पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ा करके दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो मेन चीज होती है वही आज हम इसमें देखेंगे। मेन मेन चीजें हमने ली है, क्या आपको परेशानी आती है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं सबसे पहले तो, कि आपको जो कुछ चीजें याद रखनी होती है, जैसे कि एक सिंपल सी चीज देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता होगा, जैसे कि यहां पर ये आप स्वयं है, ओके, आप है स्वयं, यहां पर आपके एक लड़का है, ठीक है, और आपके एक लड़की है, ठीक है। अब इनके भी एक लड़का है, लड़की है, जो भी है, और इनके भी है, तो आपसे जो इनका संबंध है ना वो होगा पोते या फिर पोती का, ठीक है। और इन आपकी लड़की की जो लड़का है, लड़की है, उससे आपका संबंध होगा नाती, ठीक है, ये पोता पोती है, नाती नातिन, ठीक है। तो वो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लड़के का लड़का है, ये भी आपकी लड़की का लड़का या फिर लड़की, जो भी है, लेकिन इधर नाती आएगा या नातिन आएगा, नाती या फिर नातिन, ठीक है, और ये रहेगा आपका पोता या पोती। तो इस टाइप से आपको मेन चीज ये याद रखनी है, ठीक है। इस बच्चे से यहां पर आपको देखा जाएगा तो आप रहोगे दादा, ठीक है, या आप गर्ल है, लड़की है, तो आप रहोगी दादी, लेकिन इधर से अगर ये देखेगा तो इनका रहेगा नाना या फिर नानी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये आप खुद हैं, ये आपका लड़का है, इसका लड़का या लड़की, बॉय या गर्ल, जो भी है, वो आपके लगेंगे पोते या पोती, और इनके आप लगोगे दादा या दादी। लेकिन ये आपकी लड़की है, इनका लड़का या फिर लड़की आपको लगेगी नाती नातिन, और इनके आप लगोगे नाना या फिर नानी। ये मेन चीज है, आपको ये ही ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज होती है जो मैं आपको बता देता हूं, कुछ वर्डों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि क्वेश्चन में कहीं पर दिया होता है केवल या फिर इकलौते या इकलौती, ठीक है, जो भी है, या एकमात्र, तो ये चीजें क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखती है। कि अगर एकलौता बोला है मींस एकलौता ही हो सकता है, फिर उसमें ज्यादा पुत्र या पुत्री नहीं होगा, तो इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक होता है मेन चीज से, पिता से पुत्र का संबंध, से जब से जहां पर भी बोला जाता है आगे वाले वर्ड से, तो उसी से हमें संबंध बताना होता है। वहां पर ऑप्शन दोनों रहेगा, जैसे ये प्लस है और ये यहां पर बी, ये इसकी बेटी है, यहां पर दिया ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है।
तो एक का जो पूछा है वो 20 से, तो यहां से आएगा और ये हो जाएगा आपका पिता या फादर। ठीक है, ए का बी से क्या संबंध है, फिर बी का ए से क्या संबंध है, चीज एक ही है, से का डिफरेंस है। ठीक है, एक बी का ए से, तो ये हो जाएगा पुत्री। पुत्री क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको माइनस से दर्शा रखा है, प्लस से हम दर्शाएंगे बॉयज को, माइनस से हम दर्शाएंगे गर्ल्स को। ठीक है, ए प्लस बराबर बी, ये हो जाएगा हमारा पति पत्नी। ठीक है, ये पति पत्नी का संबंध है, और ए प्लस ये बी माइनस, ये हो जाएगा पिता और पुत्री या फिर पुत्र। ठीक है, पिता पुत्री या फिर पुत्र का संबंध हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये रहा ए, ये बी और ये सी, तो सी का बी से, तो ये इसका दादा या फिर होगा दादी। आई होप कि अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए हमारा पहला हम क्वेश्चन को देखते हैं और आगे हम सॉल्व करते चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के ऊपर की साइड राइट हैंड साइड में आपको आई दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। एक सर्टिफाइड चैनल है जहाँ पर आप एथिकल हैकिंग से रिलेटेड पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी दोनों सी के बच्चे हैं। सी का हमें नहीं पता है ये प्लस है या माइनस है, या फिर इनका भी नहीं पता है कि ये लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, यदि सी माता है बी की, अब हमें क्लियर हो गया, सी माता है मतलब ये माइनस में, सी माता है बी की। ठीक है, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए जो है वो पुत्री नहीं है सी की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है तो इसकी संतान लेकिन पुत्री नहीं है, तो क्या होगा, ये पुत्र होगा। ठीक है, तो सी और ए का क्या संबंध है, अब यहां पर से नहीं दिया हुआ है, सी और ए का क्या संबंध है, तो हम ऑप्शन देखेंगे, भतीजा या चाची नहीं होगा, भाई और बहन नहीं होगा, माता और पुत्र का। क्लियर हुआ, माता और पुत्र का इनका संबंध है, तो हमारा आंसर बन जाएगा सी वाला, सी वाला हमारा आंसर सही है। यहां पर हम बोल सकते हैं ए जो है वो पुत्र है सी का, लेकिन बी का हम ये नहीं बता सकते कि बी पुत्र है या फिर पुत्री है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछता कि बी सी का पुत्र है तो हम इसको गलत करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि वो पुत्र है या फिर पुत्री है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के अंदर, कि इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, ध्यान में रखना है, कि इसको आप जल्दी से ये नहीं कर दे कि सी का पुत्र है, सी का पुत्र बी है, तो इसको आप सही मान दो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी, देखिए ये आदमी है, ठीक है, ये प्लस में इसकी पत्नी, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ये जो भी औरत बोल रही है ना, वो बोल रही है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, उसकी पत्नी जो है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए कि उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। तो जो लेडीज बोल रही है उसकी माँ है, इस लेडीज की माँ की इकलौती पुत्री है, आया यहां पर इकलौती का, इकलौती पुत्री है मतलब कौन है, ये खुद बोल रही है लेडीज। बताए कि उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, आदमी से, यहां से हमें संबंध बताना है, यहां का आदमी से, तो ये कौन हुई, इसकी पत्नी हुई ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही पत्नी थी, और जो बोला था उसने क्या बोला हमें वर्ड, के इकलौती पुत्री है, इकलौती जैसे ही वर्ड आ गया तो हम समझ गए कि ये खुद की बात कर रही है, तो इसमें आंसर बनेगा हमारा पत्नी। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, नरेंद्र ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, नरेंद्र जो है ना, नरेंद्र ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, कोई भी ये औरत हमने मान ली एक्स, इसका इकलौता भाई वाई की बहन मेरी माँ है, इकलौते भाई की बहन एक मेरी माँ है, ये जो भी भाई है उसकी बहन इस नरेंद्र की
माँ है। आप बताइए कि उस औरत का नरेंद्र की नानी से क्या संबंध है। अब यहाँ पर हम ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 3 से 4 लोगों की बात हो रही है, हमें 4 लोगों को बिठाना है। इसके भाई, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, मतलब ये जो बंदी है इसका इकलौता भाई है, ठीक है, यही औरत की बात कर रहा है, इसी से बात कर रहा है वो, की बहन मेरी माँ है, यानी कि नरेंद्र की माँ कौन है, वही औरत जिससे वो बोल रहा है। उस औरत का नरेंद्र की नानी, नरेंद्र की नानी कौन होगी जब इस लेडीज की माँ यहाँ पर बनेगी, ठीक है, नरेंद्र की नानी से क्या संबंध है। जब ये नरेंद्र की नानी है तो नानी कब बनेगी, जब नरेंद्र की कोई माँ होगी, और नरेंद्र की माँ कौन है, ये वाली है, सीधी सी चीज है। तो उसने बोला है उस औरत का नरेंद्र की नानी से क्या संबंध है, तो पुत्री का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा डी वाला, पुत्री वाला सही है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिल्पा श्याम की बहू है, ये श्याम है, ठीक है, यहाँ पर इसका बेटा आएगा, हमें नहीं पता कौन आएगा, और उसकी बीवी कौन है, शिल्पा, ठीक है, ये इन दोनों का रिलेशन है। शिल्पा श्याम की बहू है और महेश की भाभी है। ये जो शिल्पा है ना, ये कौन है, यहाँ पर महेश है और इसकी ये भाभी है, ये महेश की भाभी है, ये हमने इसको बना लिया है प्लस में। इसको ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये इसकी भाभी कब होगी, जब ये श्याम का पुत्र होगा, तो महेश किसका पुत्र है, श्याम का पुत्र है, महेंद्र श्याम का पुत्र है और महेश का अकेला भाई है। महेश का अकेला भाई कौन है, महेंद्र है, और वो श्याम का पुत्र है, मतलब यहां पर हमारी जगह खाली थी, तो यहां पर कौन आ जाएगा आपका, महेंद्र, ठीक है। शिल्पा और महेंद्र के बीच संबंध बताइए, तो आपको क्लियर हो रहा है शिल्पा और महेंद्र के बीच क्या संबंध है, पति पत्नी का, तो हमारा आंसर बन जाएगा बी वाला, पति पत्नी का इन दोनों के बीच। ओके, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, पप्पू की बहन अमित की पत्नी है। पप्पू की जो बहन है, ये रहा हमारा यहाँ पर पप्पू, ये पप्पू की बहन जो भी है वो अमित की वाइफ है, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है अमित अनन्या का भाई है, ये अमित जो है ये अनन्या का भाई है, ठीक है। अमित के पिता मधुर है, यानी कि इन दोनों के पिता कौन, मधुर है, ठीक है, मधुर है। मीनल अमित की दादी है, यानी कि अमित की दादी, यानी कि कौन, इसकी माँ कौन है, मीनल है, ठीक है, ये इस बंदे की माँ है, तभी इसकी दादी हुई है। सीमा मीनल की पुत्र वधु है, सीमा जो है ना वो मीनल की पुत्र वधु है, मतलब पुत्र वधु कब होता है, जब उसके पुत्र की बीवी कौन होती है, पुत्र वधु, ये आपको पता ही है, ये सीमा, तो इन दोनों का रिलेशन भी पक्का हो गया, ये इसकी पुत्र वधु बन गई। ये मैं आपको डायग्राम इसलिए आपको लग रहा है लेंदी, क्योंकि मैं पूरा बना के आपको समझा रहा हूं, नहीं तो हम डायरेक्ट इनको कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। मीनल अमित की दादी है, ठीक है, सीमा मीनल की पुत्र वधु है, रोहित अनन्या के भाई का पुत्र है, रोहित जो है वो अनन्या के भाई का पुत्र है, तो अनन्या का भाई कौन है, अमित है, तो अमित का पुत्र कौन है, रोहित है, ठीक है, रोहित अनन्या का के भाई का पुत्र है, ठीक है, हो गया। अब बताना रोहित पप्पू का क्या लगता है, ये जो रोहित है ये इस पप्पू का क्या लगता है, तो देखिए रोहित, रोहित के पापा कौन है, अमित, अमित की बीवी यहां पर जो भी है एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, ये इसकी बीवी है, इसकी बीवी का ये भाई है, मतलब रोहित की मम्मी के भाई रोहित के क्या लगे, रोहित से अगर संबंध देखा जाए तो मामा लगेगा, ठीक है, और पप्पू से अगर रोहित का संबंध देखा जाए, पप्पू से अगर आप रोहित का संबंध देखेंगे तो क्या लगेगा, भांजा लगेगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पुत्र गलत हो जाएगा, साला गलत हो जाएगा, भाई गलत हो जाएगा, भांजा सही है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसको किया है, और एकदम हम एग्जैक्ट, अब इसके अंदर जितने भी आपको ऑप्शन दिए रहते हैं हम उन सभी के आंसर दे सकते हैं। अगर ऐसा दिया रहता है कि सीमा जो है वो अमित की क्या लगती है, तो सीमा अमित की मम्मी है, ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक और क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, ये मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है, ठीक है,
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, ये मेरे पिता, ये यहां पर रही हमारी रीना, ये रीना के पिताजी, पिताजी के एकलौते भाई, ये इनका भाई हो गया, ये दोनों प्लस में है का एकलौता बच्चा है, ये जो लड़का है ये एकलौता है, ठीक है। लड़के का रीना से, ये इसके चाचा हो गए, रीना के ये चाचा है, ये भी हम बता सकते हैं। यहाँ पर चाचा का लड़का क्या लगता है? आपका भाई लगता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ भाई, अब आपको लगा होगा सही है यही आंसर कि भाई भाई लगा देते हैं, है ना, लेकिन ये गलत है, बहन गलत है, कजिन सही है। भाई कब लगता है? जब आपका ऑप्शन में अगर कजिन नहीं दिया हुआ है, अगर कजिन नहीं दिया होता है इस ऑप्शन में, तो आप 100% भाई लगा देते, लेकिन अगर कजिन दिया हुआ है तो आप भाई नहीं लगाओगे, क्योंकि भाई सिर्फ जब लगता है जब आप खुद हो, आपका ये बेटा है और ये आपकी बेटी है, तो इन दोनों के बीच में आप भाई बहन लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके भाई का बेटा या बेटी है तो इनका जो संबंध बनेगा वो कजिन का बनेगा, ना कि भाई बहन का, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब देखते थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, उस आदमी के बेटे की बहन, ये फोटो जो है इस आदमी के बेटे, इस आदमी के बेटे, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, उस इस आदमी के बेटे, यानी कि ये यहां पर इसका बेटा हो गया, आदमी के बेटे की बहन, ये इनका ऐसा लगाते हैं हम, हस्बैंड वाइफ का आपको पता है इस टाइप से लगेगा, बहन मेरी सास है, यानी कि ये जो भी लेडीज है वो बोल रही है कि वो इसकी जो बहन है वो मेरी सास है, ठीक है। तो इनका कोई भी लड़का होगा, हमें नहीं पता है कौन है, लेकिन यहां पर ये जो खुद औरत बोल रही है, ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ होगा ये औरत है और ये इनका लड़का है, ये नहीं पता हमें कौन है। यहां पर औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो औरत है इसके ये पति है, इनको हम एक्स मान लेते हैं, ये जो आदमी है इनसे किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, ये आदमी, ये इसका बेटा और ये इसकी बेटी, और ये बेटी का ये कौन हो गया? बेटा हो गया, ठीक है। ये आदमी इसका बेटा, ये बेटी का बेटा, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, अब आप खुद बता सकते हैं, नाती या फिर बेटा या दामाद या भतीजा, क्या होगा? भतीजा होगा नहीं, दामाद होगा नहीं, नाती होगा, ठीक है, और बेटा नहीं होगा, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ए वाला, नाती, ठीक है, क्योंकि वो बेटी का लड़का है, अगर बेटे का होता तो क्या बनता? पोता। महेंद्र और नरेंद्र भाई है, महेंद्र और नरेंद्र के बीच में क्या रिलेशन है? ये दोनों भाई है, ठीक है, तो हम बना देते हैं यहां पर ये महेंद्र और ये नरेंद्र, ये दोनों भाई है, प्रमोद नरेंद्र के पिता है, तो देखिए यहां पर हमने बनाया महेंद्र और ये बनाया हमने नरेंद्र, और प्रमोद जो है वो इनके पिता है, तो दोनों के पिता होंगे, ठीक है, जब नरेंद्र के है तो महेंद्र के भी होंगे। जया प्रमोद की बहन है, जया जो है वो प्रमोद की बहन है, ठीक है, आपको क्लियर हुआ? एक ही चिन्ह लगा हुआ है, मतलब बहन का है, अगर दो चिन्ह लगा रहता है तो हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। प्रमोद की बहन है, पायल प्रमोद की भांजी है, पायल जो है वो प्रमोद की भांजी है, तो देखिए ये दोनों तो इनके बेटे हो गए, ठीक है, अब इनकी तो होगा नहीं कुछ भी, भांजी है मतलब ये जया इसकी बहन है, बहन की लड़की कौन है? पायल है, तभी तो प्रमोद की भांजी होगी, इसका रिलेशन बन जाएगा भांजी का, ठीक है, तो इसकी भांजी है, प्रमोद की भांजी है, निधि जया की नातिन है, निधि जो है वो जया की नातिन है, तो नातिन कब होती है? आपको पता है ना, बेटी का बेटा या बेटी, तो इसकी बेटी कौन है? पायल की बेटी कौन है? निधि है, ठीक है, वो कौन है? जया की नातिन है। अब क्या दिया हुआ है? महेंद्र निधि का क्या लगता है? महेंद्र जो है वो निधि का क्या लगता है? तो देखिए, निधि, निधि की मम्मी कौन है? निधि, निधि की मम्मी कौन है? पायल। अब पायल जो है वो जया की बेटी है, ठीक
ठीक है। और जया महेंद्र की क्या लगती है? भुआ लगती है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। महेंद्र की भुआ जया हो गई, और इधर ये इसकी जया की बेटी कौन हो गई? पायल हो गई। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि आपका क्या दिया हुआ है, महेंद्र निधि का क्या लगता है। तो देखिए, ये इसकी बेटी है, ये इसकी भांजी है। ठीक है, तो भांजी कब हुई है? जब इन दोनों का रिलेशन, हाँ तो ठीक है, तो जब उन दोनों का रिलेशन हमें दिखाई दे दिया, पायल और महेंद्र कौन होंगे? भांजी और उसका बेटा, तो कौन हुए वो दोनों? बहन भाई हो गए। ठीक है, तो अब इनका क्या संबंध बनेगा कि हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा मामा का, क्योंकि पायल, ये पायल हमारी जो है ये निधि की मम्मी है, और निधि का भाई कौन है? महेंद्र और नरेंद्र, दोनों ये ममेरे भाइयों ने। ठीक है, तो जब इनके भाई ये है तो आपको पता ही है, आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगते हैं? मामा लगते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा मामा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। एक चिकित्सालय में दो चिकित्सक है, एक चिकित्सालय वहां पर दो चिकित्सक है जिनमें एक दूसरे के बेटे का बाप है, एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो उन दोनों का आपस में क्या संबंध? अब इस क्वेश्चन में आप अगर सीधा आंसर लगाएंगे तो देखेंगे एक दूसरे के बेटे का बाप है, मतलब पुत्र और दादा का संबंध है ना, ये ओरली हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है। एक चिकित्सालय में दो चिकित्सक है, कितने पर्सन है? ये दो पर्सन हो गए। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा कुछ भी मान लेते हैं। एक दूसरे के बेटे का बाप है, जो एक है ना, ये दूसरे के इसका बेटा है, इसका बाप है। ठीक है, एक दूसरे के बेटे का बाप है, इसको हमने प्लस में किया, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं, ये बी मान लेता और ये सी मान लेता हूं, ये इसका बाप है। सी का बाप कौन है? ए है, मतलब पिता, इसका बाप है। तो बताओ उन दोनों का आपस में क्या संबंध? इन दोनों का हमें संबंध बताना है, ए और बी का। अब देखिए, सी के पिता हो गए बी, ये सेकंड वाले इंसान का बेटा है, ठीक है, दूसरे के बेटे का बाप है, मतलब इसके बेटे का बाप है, तो ये कौन होगा जब इसका बेटा बनेगा? पिता आ गया, सी का पिता हो गया, मतलब कौन बचा है? ये सी की माता बची है, तो इन दोनों का संबंध क्या है? पति पत्नी का संबंध है, तो इसका आंसर बनेगा पति पत्नी का। लेकिन हम डायरेक्ट अगर जल्दी जल्दी में करते इसको तो पुत्र और दादा का संबंध लगा देते, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को पहले समझे, उसके बाद आंसर को। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा सा लेंदी आपको दिखाई दे रहा है, तो लेंदी क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सीधा सा हमें जो चीज चाहिए, जहां से हमें लिंक मिल रही है उसी को हम पकड़ेंगे। ठीक है, MNPQRS के 7 सदस्य, ये तो हमें दिया हुआ है, 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड हमारे पास है, 3 बच्चे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एस और टी दो लड़कियां हैं, एम व क्यू भाई है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एम और क्यू दोनों कौन है? भाई है। तथा प्रबंधक है, ये दोनों कौन है? प्रबंधक है। ठीक है, आर एक डॉक्टर है, आर का हमें नहीं पता कौन है, आर एक डॉक्टर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, ये जो आर है ये डॉक्टर है। ठीक है, इसका संबंध डी आर से मैं कर देता हूं, डॉक्टर। आर एक डॉक्टर है जिसकी शादी दोनों भाइयों में से एक से हुई है, मतलब ये इन दोनों में से किसी एक से इनकी शादी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं है। उसको 2 बच्चे हैं, आर को कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, आर को भी 2 बच्चे हैं, हमें नहीं पता कौन कौन है। एन की क्यू से शादी हुई है, एन जो है क्यू से शादी हुई है एन की, ये प्लस में आ जाएगा हमारा, और इन दोनों का एक रिलेशन बन गया। ठीक है, जिनकी दोनों भाइयों में से एक से, और टी उनका बच्चा है, इन दोनों का बच्चा कौन है? टी है, और टी उनका बच्चा है। अब हमें रिलेशन बताना है, बताइए क्यू कौन है? तो क्यू तो हम डायरेक्ट यहां पर बता सकते हैं कि इनके पिता हैं, तो क्यू कौन है? यहां पर हमारा ऑप्शन दिया एस का पिता, जो कि गलत है, टी का पुत्र गलत है, टी का पिता, तो ये इसकी मात, यहां पर जो है सॉरी, ये इसकी माता है, ठीक है, और ये इसके पिता है। ठीक है, तो इससे क्या संबंध बन जाएगा? पिता का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। लेकिन हमें ये वाले को पूरा फॉर्म करना है, क्योंकि आगे भी तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब देखिए, इन दोनों में से बोला था किसी एक की इनसे शादी हुई है, तो ये भी जेंट्स है, तो इसकी शादी आर से मैं करवा देता हूं, इन दोनों की शादी करवा दी, तो फिर इनके 2 बच्चे हो गए। अब बच्चे हमारे पास कौन कौन से बचे हुए थे?
MNTQRST है ना, तो इसमें से बचा हुआ कौन है हमारा, एक तो एस बचा है, एक टी बचा हुआ है। एस और टी दोनों दो लड़कियां हैं, तो ये भी लड़की है और यहाँ पर एस भी लड़की है, तो बचा हुआ कौन है, टी बचा हुआ है, और तीन बच्चे थे तो तीन में से ये कौन हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया, बताइए पी क्या है, पी क्या है, लड़का है या लड़की है। तो अभी हम देख चुके पी एक लड़का है, तो इस टाइप से भी हमें क्वेश्चन दिया रहता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वाला वीडियो को देखेंगे, उसमें कोडिट फॉर्म है जो कि बैंक के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा IMP है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें।